हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिस्टन कैसे काम करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह काम किस प्रकार करता है? जब इंजन चल रहा होता है तो पिस्टन सिलेंडर में ऊपर और नीचे चलता है। जब पिस्टन मोड़ पर पहुंचता है तो यह धीमा हो जाता है और फिर अचानक तेज हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह इनर्सिया बल पैदा करता है जो पिस्टन पर कार्य करता है। जब गैस के दबाव से उत्पन्न बलों के साथ मिलकर विचार किया जाता है तो यह पिस्टन बल बनाता है जिसे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कनेक्टिंग रॉड केवल ऊपरी और निचले मोड़ पर पूरी तरह लंबवत हैं। कनेक्टिंग रॉड का कोण सिलेंडर की दीवार के किनारे पिस्टन को दबाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दहन चक्र के दौरान इस बल की मात्रा और दिशा लगातार बदलती रहती है क्योंकि वे पिस्टन बल और पिस्टन क्राउन और कनेक्टिंग रॉड अक्ष के बीच के कोण पर निर्भर करते हैं। पिस्टन के रिंग से लैस हैं। वे क्रैंक केस के संबंध में दहन और कारक कक्ष को सील कर देते हैं। वे सिलेंडर की दीवारों से तेल भी निकालते हैं, इस प्रकार तेल की खपत को नियंत्रित करते हैं। पिस्टन रिंग दहन के दौरान पिस्टन द्वारा अवशोषित गर्मी को सिलेंडर लाइनर की ठंडी चलने वाली सतह पर भी निर्वहन करते हैं।